एवरीवन, सो आज मैं आपको बताऊंगी मैं अपने मेकअप को कैसे रिमूव करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैं अपने मेकअप को रिमूव करती हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग की इंक्वायरी थी, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी स्किन इतनी ग्लो कैसे करती है, आपका स्किन केयर क्या है। तो लोग मेकअप से ज़्यादा स्किन केयर में इंटरेस्ट ले रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो शूट कर लेते हैं। सो मैंने एक वीडियो के लिए शूट किया था, ये जो लुक था जिसको मैंने रिमूव किया है वो मैंने शूट किया था। तो बेसिकली मैं कोई भी मेकअप रिमूवर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है एंड मैंने काफ़ी सारे मेकअप रिमूवर यूज़ किए हैं। सो उसकी वजह से आफ्टर यूज़ करने के बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती थी, इसलिए मैं अब कोई भी मेकअप रिमूवर यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे ये कोकोनट ऑयल सूट करता है, इसलिए मैं कोकोनट ऑयल से ही अपने मेकअप को रिमूव करती हूँ। बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कोकोनट ऑयल से अपनी आई मेकअप को रिमूव कर सकते हो। किसी भी कॉटन पैड में आपको सिर्फ डालना है, देन आप अपने आई मेकअप को रिमूव कर सकते हो। बट अगर आपको ऑयल से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपकी ऑयली स्किन है, तो आपको अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है। आपको जो भी मेकअप रिमूवर सूट करता है आप उससे अपने फेस मेकअप को रिमूव करिए। बट अगर आप आई मेकअप रिमूव करना चाहते हो तो आप इससे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपको कोई कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे से आपका मेकअप रिमूव हो जाएगा। सो आफ्टर रिमूव माई मेकअप मैं नॉर्मली जो भी स्किन केयर करती हूँ, सो स्किन केयर के लिए मैं सबसे पहले अपनी स्किन को क्लीन करती हूँ, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ ऑयल से कोकोनट ऑयल से अपना फेस को सिर्फ मेकअप को रिमूव किया है, बट वो अंदर से उसका डर्ट वगैरह क्लीन नहीं हुआ है। उसके लिए मैं ये खादी का रोज़ वाटर, इससे मैंने अपने मेकअप की डर्ट्स को रिमूव किया। उसके बाद मैंने अप्लाई किया ये प्लम का टोनर। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी कोई भी स्किन नहीं है जिनके पिंपल्स या फिर पिंपल के स्कार्स या फिर कोई भी पिगमेंटेशन ना होती हो। हर स्किन टाइप को ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, किसी को पहले हो जाती हैं, किसी को बाद में होती हैं। आपको करना क्या है, आपको टोनर ज़रूर यूज़ करना है। जब से मैंने टोनर यूज़ किया है, मैं आपको ट्रस्ट में गाइज, मेरे फेस में कोई भी पिंपल्स, मतलब रेयरली पिंपल्स आते, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक पिंपल आया है मुझे, सारी प्रॉब्लम को इसने सॉल्व कर दिया है। सो मस्ट ट्राई, आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। एंड अगर आप बड़े से इसके बिग साइज प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, बिकॉज ऑब्वियसली आप फर्स्ट यूज़ करना चाहोगे कि अच्छा है, ये प्लम का ब्रांड है, राइट, तो आप पहले ट्राई करना चाहोगे कि ये अच्छा है या नहीं, उसके बाद मैं बिग साइज़ का प्रोडक्ट ऑर्डर करूँ। उसी तरीके से सिर्फ स्मिथन ऐसा ऐप है मेरे हिसाब से जो आपको फ्री ट्रायल प्रोडक्ट्स देता है। तो वहाँ पे मैंने ये प्लम का टोनर देखा एंड मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे थे, इसलिए मैं इसको ट्राई करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसको वहाँ से ऑर्डर किया। ये एक स्मॉल साइज़ में है, क्योंकि ट्रायल तरीके का ये एक प्रोडक्ट है। सो अगर आप बिग साइज़ का प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो तो आप किसी भी वेबसाइट से परचेस कर सकते हो, पर्पल से, नाइका से या फिर अमेजोन से, वहाँ पे प्लम के प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। अगर आप बिग साइज़ के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो,
फर्स्टली। सो अगर आप ट्रायल प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हो तो आप स्मिथन से ये ऑर्डर कर सकते हो। आपको जस्ट स्मिथन आपको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर में जाकर, वहाँ पे स्मिथन सर्च करना है, वहाँ पे आपको ऐप मिल जाएगा, वो इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद एक कोड आ रहा होगा नीचे, इस कोड को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे, उन 6 पॉइंट्स में आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। मैंने 6 पॉइंट्स में प्लम का टोनर, दिस वन एंड दिस वन, अभी बहुत से सामान है वो अभी मेरे पास नहीं है, बट या ये सामान मैंने ऑर्डर किया था एंड ये मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं फॉर मी। ये बहुत, क्योंकि इन्होंने मेरी स्किन पे मैजिकली वर्क किया है, इसलिए ये मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं मेरे लिए। सो फर्स्ट मैं प्लम का टोनर यूज़ करती हूँ। तो सेकेंड प्रोडक्ट जो मैजिकली मेरे फेस में वर्क किया है वो है ये वनीला विटामिन ई फेस क्रीम। सो ये नेचर्स की तरफ से ये क्रीम है एंड ये भी मुझे स्मिथन से मिली थी, मैं जस्ट ट्राई करना चाहती थी। सो मैंने वहाँ पे एक पॉइंट में इसको ऑर्डर कर लिया था। सो इसकी क्वांटिटी आप देखो काफ़ी मैंने बहुत सारा यूज़ कर लिया है एंड मैं इसको डेली यूज़ में यूज़ कर रही हूँ। मॉर्निंग में जब मैं अपने फेस को वॉश करती हूँ, वॉश करने के बाद मेरी स्किन ड्राई है इसलिए मैं इसको अप्लाई करती हूँ एज अ मॉइस्चराइजर। बट अगर आपकी ऑयली स्किन है, आप नहीं अप्लाई करना चाहते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ टोनर अप्लाई कर सकते हो। सो मैं इस क्रीम को अपने नाइट रूटीन में भी यूज़ करती हूँ डेली। सो इसने मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा रिपेयर किया है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, आप सिर्फ नाइट में यूज़ करना चाहते हो, तो आप इसको नाइट में यूज़ कर सकते हो, ये आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा रिपेयर कर देगा। एंड अगर मॉर्निंग में आप अपने फेस में डिफरेंस देखोगे कि पहले जो भी पिगमेंटेशन, जो भी स्कार्स, जो भी पिंपल्स थे, वो बहुत हद तक रिमूव हो चुकी हैं। सो रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। सो फ्री में है, आप बिल्कुल ट्राई करना चाहिए आपको। सो ये थे मेरे कुछ प्रोडक्ट्स एंड मेरा लास्ट प्रोडक्ट है जो ये लिप बाम जो मैंने अभी अप्लाई किया है, ये स्ट्रॉबेरी लिप बाम है एंड ये भी मुझे स्मिथन से एक पॉइंट में मिला था। इसने काफ़ी ज़्यादा लिप्स को मेरे मॉइस्चराइज कर दिया है, मेरे लिप्स में काफ़ी पिगमेंटेशन थी एंड बहुत ड्राई रहता था, तो इसकी वजह से मेरे लिप्स बहुत अच्छे हो गए हैं। सो फ्री ट्रायल में आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। सो यार ये था मेरा क्विकली हाउ आई रिमूव माई मेकअप। सो मैं इस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपने मेकअप को रिमूव करती हूँ एंड मेरी स्किन केयर रूटीन ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट हैं जो मैं अपनी स्किन केयर में डेली यूज़ करती हूँ एंड उसी का है जो भी है। मेरे फेस में काफ़ी ज़्यादा स्कार्स थे, आप पहला वीडियो देख सकते हो, मेरे फेस में आपको बहुत सारे स्कार्स दिखेंगे, बट नाउ कोई भी स्कार्स नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स ने काफ़ी अच्छे से वर्क किया है मेरी स्किन में। एंड अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, तो आपको ये 100% सूट करेगा क्योंकि मेरी स्किन भी वैसी है। बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको सिर्फ नाइट में यूज़ करिए एंड आप इसको मॉर्निंग एंड नाइट दोनों में आप यूज़ कर सकते हो। इससे आपकी स्किन बिल्कुल भी ऑयली नहीं दिखेगी, काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी। सो प्लम के प्रोडक्ट आपको यूज़ करने चाहिए। सो यार ये था आज का मेरा वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है कि क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, बहुत ज़्यादा शेयर करना है एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय गाइस, टेक केयर।